दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों को भी झटका लगा है और हर देश अब इस चोट से उबर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान कितना उभरा और कितना नहीं, ये जानने के लिए हमने एक तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट की मदद से आप ये जान सकेंगे कि कोविड से पहले और कोविड के बाद हिंदुस्तान के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में आखिर क्या बदलाव आए। कोरोना ने जब दुनिया में दस्तक दी तो आफत में सिर्फ जान ही नहीं आई, अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई और इसकी सीधी मार विकासशील देशों पर पड़ी जिनमें भारत भी एक है। सरकार ने 2024-25 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा था, लेकिन उस लक्ष्य पर भी कोरोना का तगड़ा डेंट पड़ा है। मजदूर घरों में बंद हो गए, उद्योगों पर ताले जड़ गए, छोटी फैक्ट्रियों पर तो ऐसा फंदा लटका कि नौबत बोरिया बिस्तर बांधने तक किया गया। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही सारे सेक्टर्स कोरोना की मार से उबर रहे हैं। कम से कम कुछ क्षेत्रों से ऐसे ही संकेत मिलने लगे हैं और आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा बूम पावर सेक्टर में आया है। कोविड से पहले यानी अगस्त 2019 में पावर सेक्टर में 14.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन अगस्त 2021 में पावर सेक्टर ने रिकॉर्ड 17.1% की बढ़ोतरी दर्ज की है। सिर्फ पावर सेक्टर ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। सिर्फ अगस्त 2021 में करीब 19 लाख करोड़ रुपए के ई वे बिल जनरेट किए गए हैं। जुलाई 2021 के हिसाब से इसमें 18.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगस्त 2020 की तुलना में ये 37.4% ज्यादा है और कोरोना काल यानी अगस्त 2019 से पहले 33.9% ज्यादा। रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है क्योंकि पैसेंजर्स से ज्यादा ये उत्पादों की ढुलाई करती है। कोरोना काल में ये भी ठप पड़ गई थी, लेकिन मालगाड़ी भी रफ्तार पकड़ रही है। अगस्त 2021 में रेलवे ने 11.05 करोड़ टन माल ढुलाई की, जो कि अगस्त 2020 के मुकाबले 16.9% ज्यादा है और तुलना अगर कोरोना से पहले यानी अगस्त 2019 से की जाए तो ये आंकड़ा 21.4% ज्यादा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।